अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की सालाना उर्स को लेकर अजमेर कलेक्टर अंशदीप के साथ ही एसपी चूनाराम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस वर्ष दरगाह में 811वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है, इसे लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे कि जायरीन को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं इस वर्ष पिछले दो वर्षों के अनुमान से अधिक जायरीन आने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है। अजमेर कलेक्टर और एसपी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह समय पर अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रखें, जिससे कि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो। प्रशासन की ओर से आगामी 18 जनवरी से चांद दिखने के साथ ही उर्स की तैयारियों को शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस मौके पर अजमेर दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही अंजुमन कमेटी और खादिम भी मौजूद रहे, जिन्होंने मेले में व्यापक व्यवस्थाओं को लेकर कई जानकारियां साझा की। मेले में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था और निगरानी की जाएगी। अजमेर दरगाह हो या फिर कायड़ विश्राम स्थली, दोनों स्थानों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम, एडी अजमेर, डिस्कॉम, जलदाय विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। हिसाब से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था थी, वो हमने कमिट किया था कि जो बेसिक काम है वो 31 दिसंबर तक हो जाएंगे, और जो बड़े काम है जैसे कि बाहर जो सड़क है, बाहर जो बैरियर लगे हैं, सारे दिशा के अंदर आज देख रहे हैं। दरगाह के अंदर भी काफ़ी सारे कार्य जो कि जितने भी जारी नारे होंगे, व्यवस्था सुधारने के लिए, उनके लिए और सुगम करने के लिए जो कार्य प्लान किए गए हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया है, और यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी स्पीड में कमी लगी है, उसके निर्देश सर कब तक सही होने का आपने निर्देश दिया कि कितनी तारीख तक काम? आप देखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि 31 दिसंबर तक जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल काम थे वो होने थे, और जो ऐसे काम थे जो कि दरगाह क्षेत्र के अंदर थे, हमने 10 जनवरी तक का समय। सर मार्केट में भी आपने दौरा किया है, किस तरह की नाला बाजार में व्यवस्था है सर, आपने देखा? खासकर नाला बाजार की जो नालियाँ हैं, जो सड़कें काफ़ी समय टूटी पड़ी हैं, वो जो सड़क है उसको भी हम चाह रहे हैं कि अगले एक सप्ताह के अंदर पूरा पूरा ठीक हो जाए, हर तरीके से वो अच्छी मोटरेबल और अच्छी स्थिति के अंदर आ जाए। साथ ही साथ हमने वो भी देखा कि बैरियर जो है, इस बार जायरों की सुविधा बढ़ाने के लिए बैरियर ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, उनका भी जो काम है उसका निरीक्षण भी किया गया है, और वो भी बहुत ही जल्द काम उसको पूरा कर रहे हैं। वी आर हियर टू सर्व द ह्यूमन बींग, इंसानियत की खिदमत के लिए, तो उसमें आने वाले जायरीनों को जो भी दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग का मकसद ये है कि उनको सहूलियत किस तरीके से फराहम करें, और जिससे वो लोग गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ आ सकें। तो जितने हर्डल्स हैं, चाहे वो खाने पे हों, चाहे वो रास्ते पे हों, चाहे वो उनके आने जाने पे हों, चाहे वो मेडिसिन पे हों, हर चीज़ के ऊपर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, चाहे वो चेन स्नैचिंग्स पे हों, चोरी के ऊपर हों, हर चीज़ पे हमारी तवज्जो है कि ज़ायरीन किसी भी हालत के अंदर किसी दिक्कत में ना आए, और किसी किस्म की स्टैम्पीड की भी सूरत ना हो। तो इसके लिए मैक्सिमम बैरिकेडिंग करके उनको सहूलियत फराहम कर रही है, जिससे आसानी से उसको संपन्न किया जा सके, और इसके लिए कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने भी अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है, और हम लोग की कोशिश होगी और पूरी उम्मीद है गरीब नवाज की बारगाह में कि उर्स जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ। और नाम आपका? सैयद बाबर अशरफ, मेंबर दरगाह कमेटी।